हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम छठी कक्षा के पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में सीखेंगे। नए जूते। पहले इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। देहांत, मृत्यु। देहांत, मृत्यु। खुदा, ईश्वर। लाडला, प्यारा। ईदगाह, ईद के दिन इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने की जगह। आहट, किसी के चलने से होने वाली आवाज। देवदूत, फरिश्ता। आलिशान, शानदार। इमारत, भवन। बेबसी, लाचारी। दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ। आंख लगना, सो जाना। आंख गड़ना, टकटकी लगाकर देखना। अब पर्यायवाची शब्द देखेंगे। आसमान, आकाश गगन। आसमान मतलब आकाश गगन। गरीब, निर्धन, धनहीन। गरीब, निर्धन, धनहीन। दरवाजा, द्वार, कपाट। चांद, चंद्रमा, शशि। दोस्त, मित्र, सखा। माँ, अम्मा, अम्मी। विलोम शब्द। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। रोशनी, अंधेरा। गरीब, अमीर। सुंदर, कुरूप। पहला, आखिरी, सच्चाई, झूठ। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सादी कहाँ रहता था? सादी कहाँ रहता था? इसका उत्तर है, सादी ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में रहता था। सादी कहाँ रहता था? सादी ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में रहता था। दूसरा प्रश्न, रात को बिस्तर पर लेटकर सादी क्या सोचने लगा? रात को बिस्तर पर लेटकर सादी क्या सोचने लगा? इसका उत्तर है, रात को बिस्तर पर लेटकर सादी यह सोचने लगा कि खुदा ने हमें गरीब क्यों बनाया? कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तीसरा प्रश्न, सादी ने अपने सपने में किसे देखा? सादी ने अपने सपने में किसे देखा? इसका उत्तर है, सादी ने अपने सपने में देवदूत को देखा। सादी ने अपने सपने में देवदूत को देखा। चौथा प्रश्न, दूसरा आदमी देवदूत से क्या मांग रहा था? दूसरा आदमी देवदूत से क्या मांग रहा था? इसका उत्तर है, दूसरा आदमी खुदा से दो टांगे मांग रहा था। पांचवा प्रश्न, सादी ने खुदा से माफी क्यों मांगी? सादी ने खुदा से माफी क्यों मांगी? इसका उत्तर है, सादी ने अपनी गरीबी के कारण खुदा के बारे में भला बुरा कह दिया था, मगर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उससे भी बेबस लोग रहते हैं। भगवान तो उसे पैसे के बिना सब कुछ दिया है, इसलिए वह खुदा से माफी मांगी। सादी ने खुदा से माफी क्यों मांगी? सादी ने अपनी गरीबी के कारण खुदा के बारे में भला बुरा कह दिया था, मगर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उससे भी बेबस लोग रहते हैं। भगवान तो उसे पैसे के बिना सब कुछ दिया है, इसलिए वह खुदा से माफी मांगी।
छठा प्रश्न, सादी ईद का चांद देखने के लिए इतना बेचैन क्यों था? सादी ईद का चांद देखने के लिए इतना बेचैन क्यों था? इसका उत्तर है, जिस दिन ईद का चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन ईद होती है, इसलिए सादी ईद का चांद देखने के लिए बेचैन था। सादी ईद का चांद देखने के लिए क्यों बेचैन था? क्योंकि जिस दिन ईद का चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन ईद होती है, इसलिए सादी ईद का चांद देखने के लिए बेचैन था। सातवां प्रश्न, आसमान में ईद का चांद देखकर सादी ने माँ से क्या कहा? आसमान में ईद का चांद देखकर सादी ने माँ से क्या कहा? इसका उत्तर है, आसमान में ईद का चांद देखकर सादी ने माँ से कहा कि अम्मी अम्मी देखिए चांद दिख गया, कल ईद होगी ना? आठवां प्रश्न, माँ के चेहरे पर उदासी क्यों छाई? माँ के चेहरे पर उदासी क्यों छाई? इसका उत्तर है, माँ ने सादी को ईद से पहले नए जूते दिलाने की बात कही थी। सादी ने जब माँ को यह बात याद दिलाया तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। माँ के चेहरे पर उदासी क्यों छा गई? माँ ने सादी को ईद से पहले नए जूते दिलाने की बात कही थी। सादी ने जब माँ को यह बात याद दिलाई तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। नौवां प्रश्न, सादी के दिमाग में कौन सी सच्चाई उतर आई? सादी के दिमाग में कौन सी सच्चाई उतर आई? इसका उत्तर है, सादी के दिमाग में यह सच्चाई उतर आई कि दुनिया में उससे भी बेबस लोग रहते हैं। सादी के दिमाग में यह सच्चाई उतर आई कि दुनिया में उससे भी बेबस लोग रहते हैं। दसवां प्रश्न, नींद से जागने पर सादी ने अपनी अम्मी से क्या कहा? नींद से जगाने पर सादी ने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे नए जूते नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। अपनी अम्मी से कहा कि मुझे नए जूते नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। Thank you.